सो नमस्कार दोस्तों, बाइक वाला सुविधा में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका गाड़ी में अगर इंजन को बार बार हीटिंग हो जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा जो 5 रीज़न है उसके बारे में आज आपको टोटल इस वीडियो में जानकारी देंगे। मैं इससे पहले भी ऐसे इंजन हीटिंग का वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाकर वो चेक करके देख सकते हैं। और ये जो आपका वीडियो है ये स्पेशल आपका होने वाला है, क्योंकि आपका ये जो है ये आपका कुछ एडवांस जो रीज़न है जो कि मैं आपका हाल फिलहाल में ही आपका ये पता करके निकाला हूँ। ये आपका जो नया मॉडल है और नया वर्जन है उसके हिसाब से मैं आज का ये वीडियो आपको बनाऊंगा। तो चलिए देना करते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास मैं जो आपका मोपेड है वो बेसिकली यूज़ करता हूँ BS3 का मोपेड कार्बोरेटर फंक्शन पर। जो जो मैंने जानकारी निकाला BS6 के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे जो BS6 के गाड़ियों का है अभी तो आपका BS6 का ही जमाना है, और उस गाड़ी के जो जो भी फंक्शन के निकाला उसके बारे में आपको आज के वीडियो में जानकारी देंगे। तो सबसे बड़ा जो आपका चीज़ है जो कि गाड़ी में आपका इंजन में सबसे मतलब जो हीटिंग होता है, हीटिंग होने का सबसे मेन जो आपका रीज़न होता है, सबसे पहला एकदम जो मेन रीज़न होता है आप जान लीजिए, बारिश का टाइम अभी आपका जैसा चल रहा है। और इस बारिश के टाइम में आपका जो गाड़ी है, गाड़ी में देखे होंगे कि कभी जगहों पर आपका जो ब्रेक है थोड़ा जाम लग जाता है। कभी कभार आपका ऐसा भी होता है कि ब्रेक जो आपका जो ड्रम आपका ब्रेक यहाँ पर जैसे लगता है कि उस ड्रम ब्रेक में कभी कभार आपका टाइट होने की वजह से भी आपका ब्रेक आपका पूरा जाम होते रखता है। और देखिएगा आपका बारिश का टाइम में जब पानी आपका अंदर चला जाता है, वो जो आपका वायरिंग है वायरिंग के भीतर से आपका अगर जो पानी अंदर चला जाता है उसके वजह से भी ब्रेक जाम आपका कभी कभार हो जाता है। तो इस ब्रेक जाम होने के कारण से आपका अगर ब्रेक टाइट रहा और पहिया अगर ठीक से घूम कर ना पाते इंजन में एक आपका लोड पड़ेगा। और ऐसे भी आपको एक चीज़ बताया जाता है कि अगर आपका पिलियन राइडर लेके चले या आपका हेवी वेट आप कैरी कर रहे हैं, हालांकि गाड़ी आपका लोड कैरी करने के हिसाब से ही बनाया गया है, पर फिर भी इससे ज़्यादा आपका अगर लोड कैरी कर रहे हैं तो क्या होगा, इस इंजन के ऊपर दबाव पड़ेगा। और उस इंजन के ऊपर दबाव पड़ने से आपका इसमें क्या होगा कि इंजन आपका हीटिंग होना चालू हो जाएगा। और TVS का गाड़ियों में अभी आपका जो सिचुएशन देखा गया है वो आपका BS6 का गाड़ियों में भी सेम आपका केसेस के मैं हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपका जो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम है वो अगर कहीं से भी जाम रहा, या आपका ब्रेक मान लीजिए कहीं से आपका कभी कभार टाइट हो जाता है, या आपका टाइट कर दिया जाता है खुद से भी कि आपका ब्रेक थोड़ा टाइट करके आप चला रहे हैं और उसके बाद पिलियन राइडर ले रहे हैं या आपका भारी भरकम कुछ लोड ले रहे हैं, तो आपका इंजन हीटिंग होने का चांसेस आपका बन सकता है। दूसरा आपका जो चीज़ है इस टाइप का गाड़ियों में, आपका जो BS6 वाला मॉडल है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर देखिएगा BS6 के गाड़ियों में इंजन का जो आपका एक जगह है वहाँ पर आपका एक सेंसर लगा होता है, और उस सेंसर के वजह से इंजन का जो टेम्परेचर है उस सेंसर के मदद से ही अगर गाड़ी उस टाइम में अगर बंद पड़ा रहा कुछ देर के लिए तो जो टेम्परेचर है टेम्परेचर के जो सेंसर है वो सेंसर ही उसको मालूम करके आपका उसका जो एक्चुएटर है एक्चुएटर को इन्फॉर्मेशन दे देता है, और एक्चुएटर का इन्फॉर्मेशन के बाद ही गाड़ी का जो फंक्शन है वो आपका चालू। उसके बाद जब आपका गाड़ी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद जो टेम्परेचर है जो आपका धीरे धीरे रनिंग होता है उसके वजह से आपका एक्चुएटर के में आपका जो है वो सिग्नल जाता है, और सिग्नल के वजह से ही आपका गाड़ी में है जो आपका जो टोटल जो परिवर्तन है उसके बाद ही आपका बनता है। मान लीजिए आप गाड़ी को अचानक से स्टार्ट कर दिए, और वो स्टार्ट करने के बाद अगर मान लीजिए हम लोगों का जो कार्बोरेटर गाड़ी है, कार्बोरेटर गाड़ी के केस में हम लोगों ने देखे होंगे कि अचानक से अगर जब स्टार्ट कर देते हैं तो कार्बोरेटर क्या होता है उस टाइम में ज़्यादा इंजन हीटिंग होने का प्रॉब्लम चांसेस बनता था। पर अगर आपका BS6 के गाड़ियों में देखिएगा कि उसमें टेम्परेचर का जो सेंसर है उसमें से आपका जो डेटा है डेटा आपको क्या होता है कि आपका जो एक्चुएटर में चले जाने के बाद उसके हिसाब से गाड़ी को आपका एक फंक्शनिंग करके उसको आपका टेम्परेचर को नापा जाता है। पर कभी कभार क्या होता है कि इसमें आपका जो एक जो सेंसर वाला वायर होता है या एयर जो आपका वायर होता है जिसमें से आपका एयर पास हो रहा है उस वायर में कभी कभार आपका ज़्यादा टाइट होने की वजह से जाम लग जाता है। तो हम लोगों ने देखे होंगे कि उसके केसेस में हम लोगों को क्या होता है कि इस जो आपका इंजन है वो इस वजह से भी आपका ज़्यादा हीटिंग होने लगता है BS6 के गाड़ियों के केसेस में। तो BS6 के गाड़ियों में सेंसर होने के बाद भी ये आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका देखा जाता है। इसके बाद और एक जो आपका रीज़न आता है इस टाइप का जो गाड़ियों में हम लोग ज़्यादातर देखे होंगे वो आपका गाड़ियों में देखिएगा कि जो आपका इंजन ऑयल है हम लोग इसे डालने के बाद क्या इंजन करने अपने जो जैसे इसमें आपका देखिएगा जो आपका मैं दूसरी गाड़ी में दिखा रहा हूँ, ये जो आपका नट है इस नट का ढीला करें तो देखिए इंजन ऑयल का आपका हिसाब होने लगता है। कभी
के बाद क्या होता है ज़्यादातर विंटर की सिचुएशन में देखा है आप जितना रेडी यहाँ पर डाल देंगे मतलब रेडी ऑयल तो आपका जो लेवल है वो लेवल आपका घट जाता है। हम लोग इसे रेगुलर चेक नहीं कराते। अगर इसमें अगर आपका लेवल को थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा इसमें आपका क्या होगा कि गाड़ी में आपका इंजन होल्डिंग होने का प्रॉब्लम बरकरार रहेगा रेगुलर बना रहेगा। अगर आपका इंजन ऑयल का लेवल कभी भी आपका सही नहीं रहता तो आपको मान लीजिए ये जो गाड़ी है आपकी हीटिंग कंडीशन बराबर ही बना लेगा। इसके बाद और एक जो आपका मेन रीज़न आपका आता है बीएससी गाड़ियों में भी आपका देखा जाता है हम लोग इंजन का सेंस कैसे करते हैं कि आपका देखिए ये सामने जो आपका हेडर है और पीछे वाला जो आपका जगह है दोनों का आपको टच कर लीजिए हम लोग कभी कभार जो इसका सेंस कर लेते हैं कैसा क्या किया है। तो हम लोग इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी है कि इंजन के जो आसपास है जहाँ पर आपका हेडर और पिस्टन वगैरह है वहाँ पर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने आपको दिखाया कि आपका जो पिछला वाला पहिया है इसका मैं आपका टोटल ग्रीसिंग कर दिया गया है। अभी आपका एक्सल रॉड को जो है उसको आपको ग्रीस किया जा रहा है और इसके बाद आपका जो बाकी प्रोसेस है एक के बाद एक आपका कंप्लीट होगा। तो काफ़ी बारीकी से यहाँ पर आपका काम होता है। अगर आप गाड़ी को किसी भी सर्विस सेंटर में ले आते हैं देखिए मैंने पहले ही आपको बोला है यहाँ पर टोटल जो काम है वो बारीकी से होगा और देख सकते हैं एक के बाद एक आपका टोटल प्रोसेस बन रहा है। तो मैं जैसे मेरा आपका BS3 वाला वर्जन है उसको मैं आपका सर्विस सेंटर में और नहीं ले आता क्योंकि मेरा 8 साल पहले ही हो चुका है। अगर आप नया बाइक खरीदते हैं मतलब BS6 वाला अभी का जो वर्जन है तो उसे कोशिश कीजिएगा कि सर्विस सेंटर में ले आने का। बाकी अगर किसी अगर जगह पर लॉन्ग राइड पर जाते हैं या अगर दूर कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर भी कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं आपको पहचाना हुआ कोई ऑथेंटिक सर्विस सेंटर मिले तो वहीं पर कराने का, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपका मेरे चैनल में काफ़ी वीडियो है जिसमें आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ अगर आप कहीं पर मुसीबत पड़ते हैं तो आपको वहाँ से कैसे निकलना है। अगर गाड़ी में कोई पार्ट्स वगैरह दूसरा पार्ट्स यूज़ करते हैं तो उसको कब आपका और कितने टाइम बाद उसको आपको चेंज कराना होगा सभी का जानकारी मेरे चैनल में है। आप जाके उस वीडियो को भी चेक भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दे दिया हूँ। और आज के जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि BS XL 100 XL कम्फर्ट BS6 वाला जो वर्सन है XL 100 इसको टोटल सर्विसिंग इस टाइप से क्या कुछ आपका होता है। हम लोग देखिएगा कि इस गाड़ी को जब रनिंग कराते हैं रनिंग कराने के टाइम में हम लोग ज़्यादातर बात देखे गए हैं कि बहुत सारे जो है हम लोग का चेन जो है वो आपका लूज़ हो जाता है। तो चेन जब आपका लूज़ हो जाता है तो हम लोग क्या कराते हैं दुकानदार के पास में जाकर चेन को अच्छी तरीके से टाइट करा लेते हैं। टाइट करने की वजह से भी क्या होता है कि पहिया ठीक से घूम नहीं पाता और उस घूमने ना नहीं के वजह से इस जो आपका इंजन है इंजन में आपका प्रेशर क्रिएट होने लगता है और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से भी आपको काफ़ी बार देखा गया है कि इंजन आपका हीटिंग हो रहा है। मैं आज के जो वीडियो है ये आपका ऑयल रिलेटेड या बाकी जो जो भी आपका कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ क्योंकि इससे पहले बड़ा वीडियो में आपका डिस्कस कर चुके हैं। आपका मेन जो जो चीज़ है मैं उसके बारे में बताया लास्ट रीजन में आपको वही बता रहा हूँ कि चक्का में आपका अगर जो आपका वह चेन वगैरह है उसको अगर ज़्यादा टाइट आपका रखें तो उसमें से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई सा भी आपका मॉडल का गाड़ी हो ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अगर आपका जो चक्का ठीक से अगर घूम ना सके तो उसमें भी प्रॉब्लम। कभी इस बार आप देखे होंगे कि हम लोग का जो ड्रम है ड्रम में भी अगर टच करके आपका देखे कि वहाँ पर ड्रम आपका गर्म हो रहा है ड्रम ब्रेक का केस में ड्रम अगर गर्म हो रहा है तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो गाड़ी है वो आपका ज़्यादा ही टाइट है मतलब ब्रेक और इससे में आपका ये पता कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या हुआ है कि बारिश के सीज़न जैसे आपका आ रहा है अगर ऐसी रास्ते में आप चलाएं कि जहाँ पर आपका धूल मिट्टी वगैरह आपका ब्रेक में आपका लग रहा है या आपका जो चेन का लुब्रिकेशन है लुब्रिकेशन के ऊपर आपका पानी वगैरह लग रहा है तो उसमें से क्या होता है कि लुब्रिकेशन का ऊपरी वाला जो ऑयल वगैरह है वो आपका उड़ चुका होता है और उसके वजह से भी चेन आपका थोड़ा जाम लग हो जाता है तो इसके वजह से भी काफ़ी हद तक आपका इंजन गर्म होने का चांसेस बन सकता है। ये आपका एकदम लेटेस्ट चीज़ मैं बताया दोस्तों। तो आपको अगर इस जो टोटल जानकारी है आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल में जाकर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और आज तक के लिए इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगा इंजन के रिलेटेड ही एक नया जानकारी के साथ आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज तक के लिए जय हिंद और जय भारत।